स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुभाष पार्क स्थित वाल्मीकि वाटिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आगरा नगर निगम के सदन में पहुंचे वाल्मीकि समाज के नवनियुक्त पार्षदों का सम्मान किया गया। समाज से जुड़े अपने नवनिर्वाचित पार्षद गणों का समिति पदाधिकारियों द्वारा पटका और माला पहनाने के साथ साथ भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर भेंट करके स्वागत सम्मान किया गया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन सभी पार्षदों ने एक साथ मिलकर भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति पर माला पहनाकर एवं दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट विमल कुमार द्वारा की गई। साथ ही कार्यक्रम का संचालन दीपक जंगारे एवं वरुण देशभक्त ने मिलकर संयुक्त रूप से किया। हमने अपने संगठन के माध्यम से जो आगरा की सरकार बनी है, आगरा सदन नगर निगम का जो सदन बना सदन बने हैं, उस सदन में हमारे वाल्मीकि समाज के जो पार्षद पहली बार इतिहास में पहली बार चार पार्षद बने हैं। तो हर समाज अपने समाज के जो प्रतिनिधि बने हैं उस सदन में हर समाज ने अपना स्वागत किया है। इसी कड़ी में जब हमारे समाज के वाल्मीकि समाज के जो लोग पार्षद बने हैं, दो महिलाएँ दो पुरुष, उन चारों पार्षद गणों का हमने अपने संगठन के माध्यम से स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के संयुक्त तत्वाधान में हमने उनका स्वागत सम्मान करने का काम किया है, जिससे कि उन पार्षदों को भी सम्मान मिले और उनका उत्साहवर्धन हो। और उनसे उम्मीद भी हम करते हैं कि हम अपने इस समाज के लिए के विकास, हर समाज में विकास करें। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर अपने समाज को, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है कि यार अपना घर तो संभाल ले पहले, तो हमें यही कहना चाहूँगा अपने पार्षद गणों से कि पहले अपनी समाज का घर, पहले अपने समाज की बस्तियों को देखें। हम आपको बताते चलें कि कार्यक्रम के संयोजक एवं संगठन के जिलाध्यक्ष चौधरी संतोष डागौर ने अपने वक्तव्य में साफ कहा कि ये कार्यक्रम सभी वाल्मीकि समाज के पार्षदों के मान सम्मान एवं उत्साहवर्धन के लिए किया गया है। साथ ही समाज के सभी पार्षदों से उम्मीद की गई है कि वह अपने क्षेत्र की वाल्मीकि बस्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करके अपने वाल्मीकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा भला करें। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि वाटिका पर हमारे जो नवनियुक्त पार्षद चुने गए हैं, उनका समाज के पार्षदों का यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है और उनको उत्साहवर्धन करने का काम, उनको एक अच्छा ऊर्जा देने का काम, ताकि वो समाज में विकास कार्य और अपने समाज की जो भी परेशानियां हैं उनको उनका निराकरण करवाने का कार्य करेंगे। तो यही एक उद्देश्य था हमारा, क्या हमने अपने समाज के पार्षदों का स्वागत समारोह रखने का हमारा ये कार्य था। यहाँ पर जो स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से और जिला वाल्मीकि महासभा की ओर से नव निर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह रखा गया और सभी लोगों ने रखा अपने अपने समाज का। तो भाई संतोष दागौर जी के नेतृत्व में ये सम्मान वाल्मीकि समाज की ओर से, जो चार पार्षद वाल्मीकि समाज उनका सम्मान, उनसे आशा की जाती है वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। और सब प्रथम वो कार्य जो है, जो दलित महादलित वाल्मीकि समाज ज़्यादा चुन के पहुँची हैं, उनके वोट से ज़्यादा वोट वाल्मीकि समाज के क्षेत्र से पहुँची हैं। वाल्मीकि समाज ने उन्हें वोट दिया है, एक उसके ऊपर अन्य समाज ने दिया। पहले वाल्मीकि समाज से ही वो शुरुआत करें, विकास की शुरुआत करें और समस्त सब जाति में समस्त वर्गों में काम करें, अपने राजनीतिक स्तर आगे। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर मंच पर मुख्य रूप से रामजीलाल विद्यार्थी, हरिबाबू वाल्मीकि, मुकेश डांगौर, श्रीकांत वाल्मीकि उपस्थित रहे। आयोजन कमेटी के सभी सदस्य एडवोकेट विमल कुमार, संतोष डागौर, दीपक जंगारे, वरुण देशभक्त, गौरव चोटीला, डेविड चौहान आदि उपस्थित रहे।